शहर में मादक पदार्थ की बिक्री करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में क्राइम ब्रांच के एनडीपीएस दस्ते ने 907 ग्राम एमडी प्रकरण में फरार आरोपी मकसूद अमीनुद्दीन मलिक को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। आरोपी मकसूद के बारे में कहा जाता है कि उसने उत्तर नागपुर सहित शहर के कई युवाओं को नशेड़ी बना दिया। मकसूद के खिलाफ सकरदरा थाने में एमडी ड्रग्स का मामला हाल ही में दर्ज किया गया है। इस मामले में मकसूद सहित 5 आरोपी फरार थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी मकसूद के बारे में गुप्त सूचना मिली थी कि वह उत्तर प्रदेश में अपनी ससुराल में छिपा है। एनडीपीएस दस्ते की टीम नागपुर से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद पहुंची और प्रयागराज से करीब 40 किलोमीटर दूर बहरिया में आरोपी मकसूद को उसके ससुराल में दबोचा। मकसूद के खिलाफ कोई भी एमडी का मामला दर्ज होता था तो वह ससुराल में फरारी काटता था। आरोपी मकसूद पर 14 मामले दर्ज है। 5 मामले एमडी से जुड़े हैं। काफी लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश में थी लेकिन वह बच निकला था और इस बार आखिरकार हाथ लग गया है। आरोपी हा जो है मकसूद मागिल ऑगस्ट महिन्यामध्ये आपल्याकडे एनडीपीएस पथकाची नागपूर पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत एक मोठी कारवाई झाली होती। त्यामध्ये जवळजवळ 907 ग्रॅम एमडी पकडण्यात आला होता। त्याच्यामध्ये 3 आरोपी त्याच ठिकाणी अटक करण्यात आले होते। तपासात असं निष्पन्न झालं होतं की याच ठिकाणचा एक मकसूद नावाचा जो आरोपी आहे तो राहणारा नागपूरचाच आहे, परंतु सध्या काही दिवसासाठी तो उत्तर प्रदेशमध्ये अलाहाबाद या ठिकाणी निघून गेला होता आणि तिथून तो गँग त्यांचे ऑपरेट करत होता। अशी माहिती मिळाल्यानंतर आपली टीम त्या ठिकाणी रवाना झाली आणि त्या ठिकाणी हा जो टेकाना केला राहणारा जो मकसूद आहे तो अलाहाबाद या ठिकाणी मिळून आलेला आहे। त्याला सध्या अरेस्ट करण्यात आलेला आहे आणि पोलीस कस्टडीमध्ये त्याला ठेवण्यात आलेला आहे। उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे आणि मकसूद बरोबर अजून कोण सामील होते ही जी काही माहिती आहे त्याबद्दल योग्य पुढील तपास सुरू आहे। नागपूर या ठिकाणचं जे लोकेशन आहे, जे हायवे कनेक्टेड आहेत, साधारण जे मेन रोड आहेत, हायवे आहेत, त्या ठिकाणी जाणारे येणारे जे रोड आहेत त्या ठिकाणावरून ही एमडी बाहेरच्या राज्यातून किंवा बाहेरच्या ठिकाणाहून येत असते असं निष्पन्न झालेलं आहे। यापूर्वी जे काही आम्ही कारवाई केली होती त्याच्यामध्ये मुंबईवरून आणल्याचं निष्पन्न झालं होतं आणि आता जो गुन्हा आहे त्याच्यामध्ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या ठिकाणाहून काही एमडी पुरवण्यात आलेले असं निष्पन्न झालेलं आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।